अवॉइड करना चाहिए, उससे बहुत सारी गलती हो जाने। कहता है कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, चलो यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यू से हॉरिजॉन्टल से थीटा टे और ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं फेंक दिए कि वापस ही नहीं धरती पे, ठीक है। तो कहता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा विद हॉरिजेंटल। अगर आपको पता है कि ये 45 जो ये एंगल है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा है, और जो बीटा है वो 45 माइनस थीटा है, ठीक है, अलग दो अलग अलग एंगल है, एक 45 प्लस थीटा है, 45 माइनस थीटा है, तो उनका हॉरिजेंटल रेंज। अब एक कॉन्सेप्ट है जो जो इस कॉन्सेप्ट को याद किए होंगे, प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, पढ़े होंगे, उन सबको पता होगा कि जो 45 प्लस थीटा पर 45 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि 45 प्लस मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर फेंक देते हो, ठीक है, और फिर हॉरिजेंटल से हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर फेंक देते हो, या यहाँ से कुछ जो है वो इनका सम 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री पर फेंक देते हो, तभी भी रेंज सेम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है, जिनका सम 90 हो, ठीक है, तो रेंज सेम होता है। कैसे, रेंज का फार्मूला देख लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है दैट इज अपॉन जी। अब पहले के लिए लगाएंगे आर वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन, पहले में एंगल है 2 साइन 45 प्लस थीटा दैट इज अपॉन जी, और 45 प्लस थीटा जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी, साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अपॉन जी आ गया, दैट इज रेंज आर वन, ठीक है। उसी तरह से 45 माइनस थीटा लिखोगे तो रेंज आर टू वहां माइनस हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा और अपॉन जी। अब इंटरेस्टिंग बात है, 90 माइनस 2 थीटा अगेन प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा दैट इज अपॉन जी, वहाँ बीटा की वैल्यू रख दो तो रेंज आर वन बराबर हो जाएगा आर टू के, मतलब इनका रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यार रिजल्ट है यार, इसको याद कर लो कि 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, या थीटा की जो वैल्यू है अलग अलग एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 90 है तो वो रेंज सेम होता है, ठीक है। चलो